जगन्नाथ पश्चिम में द्वारकापुरी ऐसे स्थापना उन्होंने की। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र पुणे से आकर के हमारे विश्वनाथ करार जी ने सरस्वती माँ के उद्गम पर सरस्वती माँ का मंदिर बनाकर और हमारे माणा गांव का ही नहीं, हमारे हिमालय का ही नहीं, पूरे भारत वर्ष का मान सम्मान। और उससे भी अधिक बधाई मैं हमारे प्रधान जी और मेरे गांव के मेरी भाई बहनों को देता हूँ। करार साहब, आप तो विद्वान आदमी, दुनिया के आपने दर्शन पड़े हैं। जो भी अच्छा काम होता है, अगर कोई अच्छा काम है, अगर उसमें बाधा नहीं आए, वो समझो अच्छा काम है ही नहीं। राम जन्मभूमि की कितनी बाधा आई, 25 बार जेल गए महाराज जी, वेदांती जी। तो अच्छे काम में ये बाधाएं आती हैं, हैं? और इसलिए स्वाभाविक रूप से गांव के लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके मन में शंका भी होती है। हमारा काम है जो अच्छा काम हो रहा है, बैठ करके मिल करके समझाए, और आप सबने बैठ के मिल के ये सुंदर मंदिर बनवा लिया है। अब मैं देख रहा हूँ, पिछली बार बगल में दुकान थी क्या? बोलो, अब पक्की दुकान यहाँ पहले से है, और आगे जो बन रही है तो और आगे जो बनेगी और आगे बनते जाएंगी। देखो प्रदूषण, प्रदूषण। अच्छा, चलो भी, चलो ठीक है, प्रदूषण ज्यादा, चलो ठीक है। अब आपके मंदिर बनने से यहाँ एक कोई बात नहीं, बोलो ठीक कह रहे हो, लोकल लोग है वो जानते हैं, ठीक बोल रहे हो, है ना। हम सब लोग यहाँ एक प्रगति की, विकास की, और हम एक नई नींव डाल रहे हैं, और इस नाते से देश विदेश के लोग जो मंदिर देखने आएंगे, स्वाभाविक रूप से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी लोग आते थे, जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आने लगे, बद्रीनाथ आने लगे, तो संख्या लाखों लाखों में बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी आने से इतनी लाखों बढ़ गई, बढ़ी ना। तो जो एक अच्छे लोग आते हैं, अच्छा काम होता है, तो उसके नाते से अपने क्षेत्र का विकास होता है। मैंने माननीय करार जी से बोला है, मैंने कहा मैं आपके आ रहा हूँ, पिछली बार भी आया, और हमारे गांव वालों की जो भी समस्या है हम मिल बैठ करके उसका समाधान करेंगे सब कुछ। अगर माणा गांव का विकास हो, माणा गांव के लोगों की इच्छा पूरी होगी, तभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए